हाय फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वॉचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के न्यू स्लैब रेट के बारे में, जो कि हमारे सन 2021 और 22 के लिए हैं। तो सबसे पहले हमें स्लैब रेट जानना होगा कि होता क्या है। हमारी जितनी भी इनकम होती है वो किस स्लैब के अंदर आ रही है, उसके हिसाब से हमें अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार के टैक्स रेट में हमारी क्या क्या चेंजेस हुई हैं। हमारी जो इनकम है अप टू 2.5 लाख जो है वो टैक्स फ्री है, इस पर 0% हमारा टैक्स लगेगा। और जो हमारी 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक इनकम है, इस पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा, 5% हमारा इनकम टैक्स लगेगा। और जो हमारी 5 लाख से इनकम है आगे 7.5 लाख तक, ये हमारा थर्ड स्लैब है, इस पे हमारा 10% इनकम टैक्स का रेट होगा। 750,000 से 10 लाख तक ये 15% वाला स्लैब है। उसके बाद हमारी 10 लाख से 12,50,000 तक जो इनकम है वो हमारा 20% है। नेक्स्ट हमारा 12,50,000 से 15 लाख तक है, जिस पे टैक्स रेट 25% है। और आगे अबव 15 लाख, अगर हमारी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उस पर 30% रेट आएगा। भले 15 लाख से कितनी भी ज़्यादा इनकम हो, पर उस पर हमें 30% टैक्स ही देना है। तो हमारी इनकम इसमें से किसी अमाउंट में फिगर आती है 3 लाख इनकम है तो 2.5 लाख और 5 लाख वाले स्लैब में आएगी तो हमें 5% इनकम टैक्स देना है। 8 लाख है तो इस में आएगी, हमें 15% देना है। 14 लाख है, 13 लाख है, जितने भी है तो 25% वाले स्लैब में आएगी। अब हम पुराने जान लेते हैं न्यू प्रोविज़न, और ये जो हमारा पुराना टैक्स स्लैब था इन दोनों में क्या डिफरेंस आया। इस ईयर 2021 और 22 के लिए टैक्स रेट स्लैब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब हम पुराने स्लैब रेट को देखते हैं, तभी आप जान पाएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आया। इसमें अप टू 2.5 लाख हमारा 0%, जो कि दोनों केसेस में सेम है। नेक्स्ट हमारा 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारा 5%, ये भी इस केस में भी सेम है और इस केस में भी सेम है। आगे देखते हैं 5 लाख से 10 लाख, इस पे हमारा लगता है 20% टैक्स रेट, जबकि यहाँ पे इसे छोटे छोटे और स्लैब्स में बांट दिया गया है। और आगे अबव 10 लाख हमारा टैक्स रेट लगेगा 30%। तो 30% यहाँ पे अब जो हमारे लिए न्यू टैक्स रेट आया है, तो उसमें हमें फ़ायदा है कि 15 लाख की इनकम के बाद हमें 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि पहले वाले प्रोविज़न में हमें 10 लाख की इनकम के बाद ही 30% टैक्स अपना पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे हमारी 10 लाख की इनकम तक 10 या 10 से ज़्यादा की इनकम पे 20 पे करना पड़ रहा है, और यहाँ पे पुराने प्रोविज़न में हमें 30 पे करना पड़ता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।